हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम लोग पढ़ेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। दोस्तों, मॉडर्न डेज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, इंडिया में बहुत सारा सिटीज़ है जिसमें ग्राउंड वाटर का क्राइसिस होने लगा है। तो इसलिए दोस्तों, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड जो रिचार्ज फील्ड है, इसके बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हों तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की लेसन को। सो दोस्तों, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो पहला कंपोनेंट है वो है आपका कैचमेंट। दोस्तों, कैचमेंट क्या है? बेसिकली देखिए, एक प्लेस है और एक लैंड और एरिया है जो कि आपका रेन वाटर को कलेक्ट करता है। ओके, द कैचमेंट इज ए स्ट्रक्चर और लैंड एरिया दैट इज यूज टू कलेक्ट रेन वाटर एंड रेन रन ऑफ। क्लीन कैचमेंट आर नेसेसरी फॉर मैक्सिमाइजिंग द हार्वेस्ट। ओके, अब दोस्तों कैचमेंट क्या क्या हो सकता है? जैसे कि आपका रूप टॉप्स, कोर्टयार्ड्स, रोड, सब आपका कैचमेंट है। ओके, कोई प्ले ग्राउंड है तो इसको भी हम लोग कैचमेंट की तरह देख सकते हैं, जो भी एरिया वाटर को कलेक्ट करने में हेल्प करता है। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कोर्स मेस के बारे में। दोस्तों देखिए, ये है आपका रूफ, इधर है आपका वॉल। दोस्तों इधर जो वाटर कलेक्ट होता है, देखिए कॉन्ड्यूट के सहारे दोस्तों जो ग्राउंड वाटर है इसमें जाता है। सो दोस्तों, ग्राउंड वाटर में जाने से पहले दोस्तों हम लोग इधर लगाते हैं कोर्स मेस। अगर मान लीजिए जो रेन वाटर है उसमें कोई मरा हुआ एनिमल और पत्ता कुछ गिरा होगा तो वो पहले से अलग हो जाएगा कोर्स मेस के सहारे। ओके, ये है बेसिकली कोर्स मेस का काम। अब दोस्तों बात करते हैं कॉन्डुइट। कॉन्डुइट आर पाइपलाइंस ऑफ ड्रेन्स दैट कैरीज रेन वाटर फ्रॉम द कैचमेंट और रूफ टॉप एरिया टू द हार्वेस्टिंग सिस्टम। बेसिकली दोस्तों, कॉन्डुइट क्या है? एक पाइपलाइन है जिसके सहारे वाटर, जो वाटर हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग जो स्टोरेज है इसमें हम लोग ले जा रहे हैं। ओके, कॉन्डुइट्स आर जनरली मेड ऑफ पीवीसी, पीवीसी से ही बना हुआ होता है। अब दोस्तों बात करेंगे रिचार्ज वेल के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, इधर है आपका कैचमेंट। कैचमेंट से हम लोग जो वाटर कलेक्ट करते हैं इसको हम लोग कॉन्ड्यूट के सहारे रिचार्ज वेल में भेजते हैं। अब दोस्तों देखिए, रिचार्ज वेल में नीचे पीसीसी फुटिंग है, उसके ऊपर से हम लोग ब्रिक वॉल बना देते हैं। अब ब्रिक वॉल के ऊपर हम लोग आरसीसी स्लैब लगाते हैं। आरसीसी स्लैब लगाते हैं इसलिए कि बाहर से कोई कॉन्टामिनेंट इसके वेल के अंदर ना आने पाए। ओके, अब दोस्तों देखिए, इसमें दो लेयर है, एक है सैंड का लेयर और दूसरा है पेबल का लेयर। अब दोस्तों इधर हम लोग बोरिंग करते हैं और बोरिंग के अंदर हम लोग पीवीसी पाइप डाल देते हैं, और पीवीसी पाइप में देखिए कुछ पारफोरेटेड पार्ट है। अब दोस्तों, वाटर जब रिचार्ज ऑयल में आता है तब सैंड और पेबल लेयर के थ्रू ये जो पारफोरेटेड पार्ट है पीवीसी का, इसके थ्रू दोस्तों ग्राउंड वाटर में चला जाता है, और दोस्तों ग्राउंड वाटर को लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। सो दोस्तों, ये था रिचार्ज ऑयल। सो दोस्तों, इस लेसन में इतना ही। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ यू अंडरस्टैंड देन लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों मिलते हैं अगले लेसन पर।